फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ मेघना। और आज है, आज कौन सा डे है? आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे। और पनव का वीकेंड हो गया है चालू। और पूरा आई थिंक टू वीक्स बाद, दो हफ्ते बाद मैं पनव को लेके आई हूँ उसका बास्केटबॉल क्लास में। तो अभी तो वो काफ़ी लो एनर्जी है बिकॉज़ इतने दिनों बाद बास्केटबॉल कर रहा है, पर फिर भी लाना पड़ा क्योंकि घर में बैठे बैठे क्या तो करेगा। और एवरी इवनिंग यहाँ पर बारिश हो रही है, तो आज बारिश भी काफ़ी कमी है। तो आज भी वेदर काफ़ी क्लाउडी है, सुबह से कभी धूप निकल रहा है तो कभी बारिश हो रहा है। सही में ऐसा लग रहा है वेदर जो कि है वो हाइड एंड सीक खेल रहा है हम लोग के साथ, मतलब लुका छुपी खेल रहा है। और ये देखिए वेदर का हालत, ऐसा लग रहा है अभी बारिश होने वाली है। पता नहीं कैमरा में कैसा दिख रहा है पर एक्चुअली यहाँ पर क्लाउड्स जम चुका है, बहुत ही क्लाउडी स्काई है। और मेरा हाथों में दो तीन बूंद गिरने भी लग गया है। यहाँ पर कैमरा में जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है पर सही में गिर रहा है। मैम देख रही है, जाओ जाओ, जब बारिश आएगा तब जाएंगे हम लोग। गो, हाँ तो बारिश आएगा तो भेज देंगे ना। क्लास का हो गया है छुट्टी और ये मैं कर रही हूँ बॉल पैकिंग। एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, एक हाथ से बॉल पैक कर रही हूँ। देखिए हो गया, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। पानी पियो, आज इतना दिन बाद तुमको बास्केटबॉल क्लास आके कैसा लगा बताओ, जोर से बोलो, सबको सुनाओ। गंदा क्यों? आज इतना सारा पसीना बहाया, अच्छा लगना चाहिए ना तुमको। इधर देखो, क्या मतलब पनव बोल रहा है कि ये लोग सब मम्मी लोग से रेस्ट कराता है और बच्चे लोगों से रेस्ट नहीं कराता है। सोचिए आजकल के बच्चों का डायलॉग कैसा हो गया है। बाय बाय कर दो बास्केटबॉल कोर्ट को, से बाय बाय, बोलो बाय बाय, बोलो बाय। क्या बोला? बाय फ्रेंड्स। ओह, सब फ्रेंड्स को बाय बाय कर रहे हो क्या, बास्केटबॉल वाले फ्रेंड्स को? आ जाओ। और ये जो पिंक पैकेट आप लोग पनक के हाथ में देख रहे हैं, इसमें मैं एक छाता लेके आई थी क्योंकि बारिश होने का चांसेस था इसीलिए। यहाँ पर एक फुचका वाला बैठते हैं तो सब लोग बोलते हैं इनका फुचका बहुत अच्छा है, पर मैंने कभी खाया नहीं तो सोच रही आज एक बार ट्राई कर लूं। हम लोग बास्केटबॉल से आए और हम लोग घर जाके नहाएंगे क्या? नहीं, बारिश के मौसम में कोई नहाता है क्या? फुचका भी मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ, खाके फिर बात कर रही हूँ। फुचका मुझे इतना यम्मी लगता है कि क्या बोले। आई थिंक फुचका भी मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ। अब तुम्हारा खेलना हो गया? मतलब ओ कितने बजे तुम आया है? तुम अभी घर में रूम में घुसा है 8:05 में, मतलब कल तुम्हारा पिटाई हुआ था ना मम्मा से, देरी से घर में घुसा था इसीलिए आज जल्दी टाइम से आ गया ना। कल मम्मा पिटाई की थी ना तुम्हारी। पनव रूम में घुसा था रात को 9:30। 9:30 तक पनव मायरा के घर में था। मैंने बहुत बार बुलाया उसको डिनर करने के लिए पर वो आया नहीं था, तो कल मैंने पनव की पिटाई की थी। तो आज पनव डर के मारे 8:00 कमरे में घुस गया ताकि उसको टाइम से मैं डिनर करा पाऊँ, और वो मुझे आके पूछ रहा है मम्मा मैं कितने बजे घर में घुसाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी बज रहा है गली में सुबह का 6:30, पर मैं अभी से नहीं उठी हूँ, मैं एक घंटा पहले से उठ गई हूँ। 5:30 आई थिंक 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं क्यों मेरा नींद खुल जाता है। ये मैं अपने पहले के व्लॉग्स में ही बताई हूँ, मेरा नींद सुबह सुबह पता नहीं क्यों खुल जाता है। रात को भले ही 11 बजे सोऊँ या 11:30, पर नींद मेरा सुबह सुबह खुल जाता है। रात को 11:30 का टाइम एक्चुअली देरी ही है,
देरी से ही सोती हूँ, पर सुबह सुबह मेरा नींद खुल जाता है, पता नहीं है क्या हैबिट है मेरा। और पनम अभी तक सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है। ये देखिए, ये अपना तकिया छोड़ के ये इस तकिया में कुशन्स में सोता है, पता नहीं क्या हैबिट इसका भी हो गया है। और मैं अभी चला रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक में गर्म पानी पीने की आदत लग चुकी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है शरीर को, तो बहुत ज़रूरी है। बहुत दिन हो गया मैंने चुरवा बनाया नहीं है, क्योंकि मैं वीक में 2-3 बार कम से कम चुरवा बना ही लेती थी, पर अभी आई थिंक 2 हफ्ता से ऊपर हो गया मैंने चुरवा नहीं बनाया। तो सोच रही हूँ आज क्यों ना सुबह के नाश्ते में मैं चुरवा ही बना लूँ। एक्चुअली हम लोग कभी कभी चुरवा बोल देते हैं, पर इसको सब लोग, मैक्सिमम लोग आई थिंक पोहा ही कहते हैं, तो पोहा बोलने से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और ये है मेरा चुरवा, और ये है मुदित का, और ये मैंने चुरवा रखा है पनव का, पनव को ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा। मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, और आज मैंने चाय में अपनी डाली थी जागरी पाउडर। एक्चुअली मैंने ख़रीदा था, एक ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था, मैंने जागरी पाउडर ख़रीदा था और स्टीविया टैबलेट्स ख़रीदा था और कोकोनट शुगर ख़रीदा था। तो कोकोनट शुगर तो ख़त्म हो चुका है, वो मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिया, और स्टीविया टैबलेट भी थोड़ा सा बाकी है। कल शाम को भी मैंने स्टीविया टैबलेट से चाय लिया था, और आज मैंने चाय में डाला है जागरी पाउडर। जागरी पाउडर आज फर्स्ट टाइम मैंने ओपन किया है। तो कोकोनट शुगर और जागरी पाउडर का टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों का टेस्ट सेम ही है। तो थोड़ी सी कोशिश चल रही है मेरी भी हेल्दी रहने की, शुगर को अवॉइड करने की। हाय फ्रेंड्स, तो मेरा नहाना धोना पूजा करना सब कंप्लीट हो चुका है, और अभी बज रहा है सुबह का 10, और पनव की मैम आई हुई है, और अभी मैं ड्रॉ करने वाली हूँ पनव के लिए मॉनसून स्पेशल 2 एनिमल्स, एक एनिमल है एक बर्ड है। अभी मैं पनव के लिए ड्रॉ करने वाली हूँ एक फ्रॉग और एक पीकॉक। तो चलिए फिर आप लोग को दिखाते हैं। फ्रॉक की जगह मैं बना रही हूँ मशरूम, क्योंकि पनव ने बोला मशरूम बनाने। और ये पनव अभी मैम के सामने फिंगर पेंटिंग बना रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से वो कोई आर्ट वर्क किया नहीं था, तो आज वही सब कर रहा है पनव। और पनव का क्लास अभी ओवर हो गया है, उसका मैम चली गई है, और पनव अभी गया है थोड़ा सा मायरा के साथ गप्पे लगाने। और मुझे अचानक से किचन में दिख गया कटा हुआ कोकोनट, तो मैं खा रही हूँ, बिकॉज कटा हुआ कोकोनट आई थिंक बहुत हेल्दी चीज़ है, बहुत हेल्दी फूड है। इट्स मैं पहले जब डाइट करती थी बीच बीच में, तो मेरी डाइटिशियन मुझे बोलती थी कि कोकोनट इज़ हेल्दी, तो इसीलिए मैं खा रही हूँ, और मुझे ये वाला चीज़ काफ़ी टेस्टी भी लगता है। और आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, बिकॉज ये वीडियो कल से मेरा स्टार्ट है, स्टार्ट था, तो अभी यहाँ पर एंड कर रही हूँ, बिकॉज एक नया ब्लॉग बनाना है मुझे, नया चीज़ आप लोग को दिखाना है। तो मिलते हैं फिर से आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए गुड बाय। एंड अभी बारिश आई थिंक होने ही वाला है, पता नहीं क्या वेदर रहेगा आज तो। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।